हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज एक नई रिव्यू लेके आप लोगों के साथ हाजिर हो गई। फिलिप्स तो आप लोग सबको पता है कितनी अच्छी ब्रांड है। इसके दो हेयर की चीज़ें हैं मेरे पास, जैसे हो गया ये ब्लोडा हेयर ड्राई करने के लिए बालों का और स्ट्रेटनर करने के लिए, तो मैं यूज़ करती हूँ, नहीं करती हूँ ऐसा नहीं है, मगर फिलिप्स के बारे में आज मैं बताऊंगी। फिलिप्स का तीन मॉडल आते हैं, इनमें से ये सबसे छोटा है, हैंडी है और कितना अच्छा है ये, मैं यूज़ करके आप लोगों को बता रही हूँ। और ये तो स्ट्रेटनर है, कई बार आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये भी बहुत अच्छा है। फिलिप्स है ही बहुत अच्छी एक ब्रांड, मगर ये जो मैंने ख़रीदा है फिलिप्स का, इसमें वो कोल्ड ऑप्शन नहीं है, कोल्ड जो हवा आते हैं ये नहीं है, ओनली हॉट है। हर रोज़ जो यूज़ करते हैं डेली, जैसे ऑफिस गोइंग हो गए, कॉलेज गोइंग हो गए, ये बच्चों के लिए एक्चुअली ये जो हॉट, ये जो ब्लू वाला हमारे फिलिप्स का ये स्मॉल सैंडी क्यूट सा चीज़ है, ये ना ख़रीद के, और थोड़ा महंगा है वो, दो ऑप्शन है इसका, इसमें कोल्ड और हॉट दोनों ऑप्शन है, वही ख़रीदना बेटर होगा। एक्चुअली ये सब यूज़ करना भी इतना नहीं चाहिए, मगर क्या करें, ज़रूरत के हिसाब से करना पड़ता है। विंटर है, आप लोगों को पता ही है, विंटर में गीले बाल लेकर बाहर जाना या फिर सर में टोपी डालना या फिर गीले बाल लेकर सोना, ये और भी ख़तरनाक है बालों के लिए भी, और कभी कभार फंकाश के भी प्रॉब्लम हो जाते हैं। और इसका वायर देखिए बहुत ही लंबा है, लगभग 2 मीटर है, और ये इतना हैंडी है कि दो ही ऑप्शन है इसमें, और छोटा सा ये देख रहे हो ये, ताकि बाल एकदम से पास से अगर कोई ड्राई कर रहे तो बाल ना वो अंदर चले जाए ऐसे ही। और मुझे यूज़ करने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि कोई भी जगह में आप फिट कर सकते हो और हाथ में लेकर आप एकदम से बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। बहुत मुझे बहुत पसंद आया ये प्रोडक्ट। और आप इस ऐसे टेबल की कॉर्नर में आप दोनों कोई स्टेप बाई स्टेप रख सकते हैं, या फिर कोई पुराना मग इसको स्टैंड बना सकते हो। देखो चीज़ें यूज़ करना तो कर लेते हैं, मगर इसको जगह में रखना और हाथ की जब निकलते जाओ तो चीज़ों अंदर से निकल के फिर इसको यूज़ करना थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाती है ना, तो जहाँ आप रेडी होते हो वहाँ कुछ पुरानी मग या फिर कोई इसका एक क्या बोलूँ इसको एक्सटेंड बना सकते हो। एक्सटेंड ना भी बनाओ ना तो इसको एक पुरानी कॉफ़ी मग से मग में डिज़ाइन भी हो जाएगा, कॉफ़ी मग में इसको रख सकते हो। इतना हैंडी है, इतना छोटा सा है, और प्राइस भी 1000 के अंदर है, मुझे तो बहुत सस्ते में मिला। और स्ट्रेटनर तो काफ़ी महंगा था, बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, अभी तो कुछ नहीं होता, इतना स्मूथ और इतना अच्छे स्ट्रेट होते हैं मेरे, बहुत यूज़ किया मैंने इसको। ड्राई में ब्लो ड्राई में कम को करती हूँ, मगर स्टैंड में ज़रूरी हो जाते हैं, कभी कभार किया होता है, नहाने के बाद बहुत टाइम लग जाते हैं बाल सुखाने में, गर्मी में तो इतना ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ठंड में आई थिंक इसको सब लोगों को एक होना चाहिए। और अगर ख़रीदना चाहते हो तो फिलिप्स का ही ख़रीदिए, बहुत अच्छे हैं, और जितना हो सके ना यूज़ करे कीजिए। बोलते हैं ना बाल खुद से ड्राई करो, तो इतना नहीं होते यार, इतना टाइम नहीं होते, तो अगर ख़रीदना है तो मैं सजेस्ट करूँगी ये फिलिप्स का ही ख़रीदना। ये तीन ऑप्शन है, इनमें से जो भी आपकी अकॉर्डिंग, जो आपकी टाइम के अकॉर्डिंग ये आपके लगे आपके लिए बेस्ट है, ये सर्च करके ख़रीद सकते हैं। और मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा, देखो इतना सुंदर छोटा सा मग में ये फिट हो गया, ये 10 स्टेप है, मैं 10 स्टेप में मैंने ये रख दिया, साथ में मेरा मिरर भी है, तो निकालने में इजी हो जाता है ना, यहाँ से लगा प्लग भी है, तो आप लोग अपना कन्वीनियंस हिसाब से रख सकते हो। और ये विंटर स्टार्ट होने से पहले मैंने ये रिव्यू ऑनेस्ट रिव्यू दिया, अगर ख़रीदना है तो फिलिप्स का ख़रीदो, और डेली यूज़ करना ही करना है तो ये ख़रीदो।
तीन ऑप्शन है, आप लोग देख के कोई एक चूज़ कर सकते हो। तो कैसा लगा मेरा ये रिव्यू बोलना ज़रूर। तो मैं विदा ले रही हूँ, फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, नई मेरी ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग मेरे कनेक्टेड रहना। तो विदा ले रही हूँ, अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड।